नेक्स्ट हमारा आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्लॉट में या फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को क्या क्या फंक्शंस दिए हैं, क्या वो फंक्शंस हैं जो प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर्स कन्फर की हैं, क्या क्या पावर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर हम लोग प्रेसिडेंट की पावर्स को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें, अगर हम लोग प्रेसिडेंट की पावर्स को ब्रॉड कैटेगरीज में अगर उसका डिवीजन करें तो प्रेसिडेंट की पावर्स 7 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले आती हैं आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर आती हैं फाइनेंशियल पावर्स, फिर आती हैं जुडिशियल पावर, देन डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड एमरजेंसी पावर। तो इन 7 कैटेगरीज में प्रेसिडेंट की ओवरऑल पावर्स को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और अब हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हर एक कैटेगरी में प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर्स हैं और किस तरह से वो उनका एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब होता है प्रशासनिक ताकतें या फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाने के लिए जिन पावर्स की आपको जरूरत पड़ती है उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट को जो एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं उसमें सबसे पहली जो पावर है वो है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने शॉर्ट में GOI लिखा हुआ है, तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डन ऑन हिज नेम, यानी कि भारत सरकार जो है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह करती है वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। यानी कि अगर भारत की सरकार कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन कर रही है, एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं भी डिटेल में बात करूंगा, मगर फिलहाल कि अगर भारत की सरकार कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन कर रही है तो उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को वो लोग ये बोल के करेंगे कि वी आर डूइंग दिस एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, हम ये प्रेसिडेंट सर के बिहाफ पर इस एग्जीक्यूटिव एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब होता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक काम अगर आपने किया है, जैसे कि अगर आपको कोई टेंडर पास करना निकालना है, अगर यहाँ कहीं पर आपको रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवाना है या फिर इस तरीके की जो भी फैसिलिटीज वगैरह है स्कूल के लिए, बच्चों जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों के लिए अगर आपको ड्रेसेस वगैरह खरीदनी है, साइकिल्स वगैरह अगर खरीदनी है, तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव एक्शंस में आती हैं। तो ये सारी जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस वगैरह हैं ये भारत सरकार करती है ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, कि हम प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ये काम कर रहे हैं। तो पहला तो एग्जीक्यूटिव एक्शन ये हो गया। दूसरा एग्जीक्यूटिव एक्शन यह है कि ही कैन, या फिर दूसरी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो है कि ही कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग द सेम, यानी कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि जिस तरीके से उसके नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव एक्शंस को करेगी वो उससे रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है कि अगर आप ये एग्जीक्यूटिव एक्शन करेंगे तो इसके लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, अगर आप ये एग्जीक्यूटिव एक्शन करेंगे तो आपको इसके लिए ये सो एंड सो रूल्स फॉलो करना है एंड सो ऑन। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं आपस में इंटरमिंगल्ड या इंटरमिक्स होते हैं, पहला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस करती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे करती है, और दूसरा वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए कैसे जाने हैं, उन सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस को परफॉर्म कैसा किया जाएगा ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इससे रिलेटेड रूल्स बना सकता है या रूल्स बनाता है जिसके बेसिस पर ये सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मैंने यहाँ पे COM करके शॉर्ट में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। अब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, ये सब लोग अपना ऑफिस तभी तक होल्ड करते हैं जब तक इनके पास में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो इनको इनकी पोस्ट से बर्खास्त कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं उसके बारे में हम बाद में करेंगे, मगर फिलहाल यही है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है और वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के पास में ये पावर भी है कि वो उनको उनके ऑफिस से बर्खास्त कर सकता है या निकाल सकता है। और फिर से याद दिलाना चाहिए यहाँ पर आपको कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें से कुछ लोग जो हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 5 एलिमेंट्स यूनियन एग्जीक्यूटिव के, और उसमें प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब इसके पार्ट होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला आता है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं कैग, CEC, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC एंड सो ऑन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, आपके UPSC का चेयरमैन और मेंबर्स हो गए, और इस तरीके की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन सबके जो चेयरमैन हैं या फिर उनके जो गवर्निंग ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको भी अपॉइंट करने की का जो जिम्मेदारी होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करता है एंड
ये लोग भी अपना ऑफिस तब तक होल्ड करते हैं जब तक दे आर एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इनको उनकी पोस्ट से बर्खास्त भी कर सकता है। नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर आती है उसमें यह है कि प्रेसिडेंट के पास में यह पावर है कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर। स्टेट काउंसिल एक ऐसी काउंसिल होती है जिसके की जिम्मेदारी है कि वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स के बीच में आपस में कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे, और ये जो काउंसिल है इसको अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास में है और ये एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। इनफैक्ट सवाल पूछा गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो राइट आंसर जो है वो अपना प्रेसिडेंट है। इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट पावर है वो ये है कि ये यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं। प्रेसिडेंट जो है ये यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय यूनियन टेरिटरीज में। लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो भी आपके आपने कमिश्नर वगैरह अपॉइंट किए हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम देखते हैं, एंड दे डू इट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके कारण ये टेक्निकली माना गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय। अगला पावर जो आता है एग्जीक्यूटिव में वो है कि ये किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड इनके पास में पावर्स होती हैं। यानी कि अगर कोई सर्टेन एरिया अगर आपका शेड्यूल या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर हो गया तो आपके जो लॉज एंड बाकी सारे जो भी नियम कायदे हैं वो वहां पर उस तरीके से अप्लाई नहीं होते जिस तरीके से बाकी नॉन ट्राइबल एरियाज वगैरह में होते हैं। तो अगर किसी एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना है या फिर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है तो उसको डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। अब एक बार आपने उसको शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया तो वहां पर आपके जो नॉर्मल लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, तो फिर वहां पे क्या लॉज वगैरह का एप्लीकेशन होगा, किस तरह से किया जाएगा, इस सब के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में होती है। सो ऑल दिस थिंग्स कम इन द कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। तो लेजिस्लेटिव पावर में जो सबसे पहली लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है वो है समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जैसे आपको पता है कि अलग अलग सेशंस होते हैं, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, तो इन सारे सेशंस को असेंबल करने का जो ऑर्डर होता है ऑफिशियली प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है कि भाई आपने ये पार्लियामेंट के हाउसेस को ये सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, इसको बोला जाता है समनिंग ऑफ द सेशंस। तो ये जो सेशंस हैं इनको समन करने की पावर आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। इसी तरीके से जब पार्लियामेंट का सेशन एक कंप्लीट हो जाता है तो पार्लियामेंट के सेशन को कंप्लीट होने के बाद उसको पार्लियामेंट का जो सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद में पार्लियामेंट का रिसेस चालू होता है। ये जो रिसेस पीरियड है जब तक पार्लियामेंट फिर अगले सेशन के लिए नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर रिसेस पीरियड को बोला जाता है प्रोरोग, प्रोरोगिंग का टाइम पीरियड। तो ये जो प्रोरोगिंग करने का जो पावर है वो भी आपके प्रेसिडेंट के पास में होता है। यानी कि अगर आपने एक सेशन को बुलाना है तो उसको बोला जाता है समन करना, और एक बार उस सेशन को खत्म करना है लंबे वक्त तक के लिए 2 महीने 4 महीने जब तक आपका अगला सेशन नहीं आएगा तो उसको बोला जाता है प्रोरोग करना, ये जो रिसेस का टाइम पीरियड है। तो समनिंग का पावर भी और प्रोरोगिंग का जो पावर है पार्लियामेंट के दोनों हाउसों का ये आपके प्रेसिडेंट के पास में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु हैज द पावर टू समन एज वेल एज प्रोरोग बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। आंसर आपका प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2 बार आ चुका है। अगला आता है पावर कि भाई जो इनके पास में पावर होता है कि ये 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका प्रेसिडेंट जो होते हैं राज्यसभा में 250 की जो स्ट्रेंथ है उसमें से कुल मिला के 238 जो मेंबर्स होते हैं वो आपके कुल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 लोग जो है वो नॉमिनेट होते हैं। अभी 245 में से आपके अगर जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ चल रही है राज्यसभा में 250 तो ऑफिशियल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, मगर अभी की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 245 है। तो 245 की जो स्ट्रेंथ है उसमें से 12 लोग जो है वो आपके नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी लोग आपका इलेक्शन वगैरह लड़कर आते हैं। तो ये जो 12 लोग नॉमिनेट होकर आते हैं इनको राज्यसभा में एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट करने का पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास में होता है। ये 12 लोग जो है ये अब किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट साइंस सोशल साइंस किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, मगर इन 12 लोगों को नॉमिनेट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है। इसी तरीके से लोकसभा में भी 2 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है, मगर ये 2 लोग जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से इलेक्ट होकर नॉमिनेट होकर आते हैं। ये लोग
मतलब किसी भी फील्ड से नहीं हो सकते हैं, 12 लोगों की ये जो है ये किसी भी फील्ड से, किसी भी कास्ट कम्युनिटी से हो सकते हैं, डजंट मैटर, मगर ये जो दो लोग हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, इनको भी नॉमिनेट करने का जो पावर होता है लोकसभा में वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आपके प्रेसिडेंट के पास में होता है। एंड नेक्स्ट की अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई सवाल उठता है कि भाई इन्होंने 100 रूल्स तोड़े हैं या फिर इनके ऊपर 100 डिस्क्वालिफिकेशन लगता है और कायदे से अब इनको आपका पार्लियामेंट का या फिर जिस भी हाउस के वो मेंबर है उस हाउस का मेंबर अब इनको नहीं होना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस उठते हैं ये कहलाते हैं क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब अगर किसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठता है तो उसके ऊपर जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है। प्रेसिडेंट पहले इलेक्शन कमीशन के साथ में डिस्कशन करते हैं और फाइनली इलेक्शन कमीशन के साथ में डिस्कशन करके डिसाइड करते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या फिर रखा जाएगा। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो हु डिसाइड्स, प्रेसिडेंट डिसाइड्स ओवर द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो दिस इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगली जो लेजिस्लेटिव पावर आती है वो आती है बिल्स के संबंध में या बिल्स के कंसर्निंग में। बिल्स वगैरह यानी कि वो आपका पर्टिकुलर प्रपोजल जिसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में रखा गया है और जिसको अगर पास कर दिया गया तो फिर वो एक लॉ बन जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर बिल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ती है प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट परमिट नहीं करते कुछ पर्टिकुलर बिल्स के लिए तब तक आप उनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मनी बिल, मनी बिल को तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट ने अपना परमिशन इसके लिए पहले से ना दे दिया हो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको किसकी परमिशन लेना पड़ती है, जवाब है प्रेसिडेंट की परमिशन लेना पड़ती है। दूसरा, अगर पार्लियामेंट में एक बिल को प्रेजेंट किया गया है और पार्लियामेंट ने उस बिल को पास कर दिया तो वो बिल लॉ तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना साइन करेंगे या फिर प्रेसिडेंट जो है अपना उसको एसेंट देंगे। तो पार्लियामेंट से अगर एक बिल पास होकर इनके पास आता है एसेंट के लिए या सिग्नेचर के लिए तो इनके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि ये उसके ऊपर साइन कर दें और साइन करके अपना एसेंट दे दें तो फिर वो बिल जो है वो आपका लॉ बन जाएगा और उसको फिर फाइनली इंप्लीमेंट कराया जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है इनके पास में वो ये है कि ये अपना एसेंट ना दें, एसेंट अपना विथहोल्ड करके रखें, ये उसके ऊपर साइन ना करें, तो उस केस में ये जो बिल है वो खत्म हो जाएगा, फिर ये लॉ नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया उसके ऊपर, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट नहीं दिया। तीसरा केस ये हो सकता है कि ये बिल को रिटर्न कर दें पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए कि आप भैया फिर से इसको रिकंसिडर करिए, फिर से इस बिल के बारे में डिस्कशन एंड डिबेट करें, उसके बाद में इस बिल को भेजिए। अब उसके बाद में अगर पार्लियामेंट ने इस बिल को फिर से पास कर दिया और फिर से भले उसको मॉडिफाई करके पास किया हो या जैसा का तैसा पास कर दिया हो या किसी भी तरह से अगर पास कर दिया है और पास करके इनके पास में वो बिल फिर से अगर आता है तो फिर इसके ऊपर प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ता है, तब वो उसको रोक नहीं सकते हैं, तब उसको प्रेसिडेंट को इसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा, उसको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। तो ये तो बात हुई अगर आपका कोई बिल पार्लियामेंट से पास होकर आता है तब क्या होता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कोई बिल बनता है तो और प्रेसिडेंट के पास आता है तो फिर उसकी क्या कहानी है उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। अगर कोई बिल है और वो किसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ है तो जिस तरह से पार्लियामेंट से पास होके कोई बिल आपका प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है उसी तरह अगर किसी स्टेट में कोई बिल पास हुआ है तो फिर वो गवर्नर के पास उनके एसेंट के लिए जाता है, जब गवर्नर उसके ऊपर अपना एसेंट दे देते हैं तो फिर वो बिल जो है स्टेट के लिए लॉ बन जाता है। मगर एक चीज और हो सकती है कि गवर्नर जो है उस बिल के ऊपर अपना एसेंट ना देके उस बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दें। अगर एक बार किसी स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को गवर्नर ने प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर रिजर्व कर दिया है तो उसके बाद में ये बिल प्रेसिडेंट के पास सामने रखा जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर का बिल अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया है तब ये बिल प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है कंसिडरेशन के लिए। आप प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो एक वो उसके ऊपर अपना एसेंट दे दें उसके ऊपर साइन कर दें तो उस केस में वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए वो बिल लॉ बन जाएगा और उस स्टेट में लागू हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना एसेंट ना दें, प्रेसिडेंट उस बिल को लटका कर रखे, प्रेसिडेंट उसके ऊपर कुछ ना करें, उस केस में ये बिल जो है वो खत्म हो जाएगा और ये लॉ नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया। तीसरा यह हो सकता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को यह बोले कि वो उस बिल को उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दें, यानी कि वो अब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इस बिल के ऊपर रिकंसिडरेशन करे और फिर से डिबेट डिस्कशन करके डिसाइड करे कि इस बिल में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तीसरा केस हुआ प्रेसिडेंट ने
गवर्नर को डायरेक्शन दिया कि भाई आप रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल वापस भेज दीजिए, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर उस बिल को फिर से पास कर दिया, चाहे मॉडिफिकेशन के साथ में पास किया हो चाहे विदाउट मॉडिफिकेशन पास किया हो, मगर अगर पास कर दिया तो पास करके वो बिल आप डायरेक्टली जो है फिर से प्रेसिडेंट के पास में आएगा, अब वो गवर्नर के पास में नहीं जाएगा, अब वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास में आएगा। तो इस केस में भी जब बिल प्रेसिडेंट के पास आया है तब भी प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि उसके ऊपर उनको साइन करना ही करना है। जैसे पार्लियामेंट के केस में अगर कोई बिल फिर से पास होकर आ गया रिकंसिडरेशन के लिए लौटाने के बाद में, तब तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं कि इनको साइन करना ही करना है, मगर स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर प्रेसिडेंट ने गवर्नर को बोल दिया कि आप बिल लौटा दो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर ने फिर से बिल पास करके डायरेक्ट अब प्रेसिडेंट को भेजा है, तब भी प्रेसिडेंट के ऊपर ये मतलब बाउंडेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करें, वो चाहे तो फिर से उसके ऊपर अपना एसेंट दें चाहे तो उसका उसके ऊपर अपना एसेंट ना दें। ये बात हमको ध्यान रखनी है, स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में आया तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है साइन करने के लिए रिकंसिडरेशन के बाद भी, मगर अगर आप पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं, अगर रिकंसिडरेशन के बाद बिल फिर से पास होकर आता है तब उनको उसके ऊपर साइन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव पावर आती है वो ये है कि ही लेज रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी कैट फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। होता क्या है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनका जो भी फाइनेंशियल ईयर में काम इन्होंने किया है, जो भी लेखा जोखा है उस काम का, यूपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उससे रिलेटेड जो भी कहानी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो भी आपकी ऑडिटिंग वगैरह का काम किया उससे रिलेटेड जो भी बात है, फाइनेंस कमीशन अगर कंस्टिट्यूट की गई है उसने अगर कोई रिकमेंडेशंस किए हैं, तो ये अपने अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं और उन रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। अब ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो है पार्लियामेंट के सामने रखने का जो पावर या प्रिविलेज है ये प्रेसिडेंट के पास है, ये सारी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट होती है और प्रेसिडेंट फिर जो है पार्लियामेंट के सामने इन सारी रिपोर्ट्स को रखता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो, आपका सीबीसी वगैरह हो, इस तरीके की कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाती है तो वो किसको सबमिट करती है? जवाब है वो सारी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। और वो सारी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को कौन सबमिट करता है? पार्लियामेंट को वो सारी रिपोर्ट्स हमारे प्रेसिडेंट साहब सबमिट करते हैं। ये बात हमको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइनेंशियल पावर्स। जो प्रेसिडेंट की मेजर फाइनेंशियल पावर्स हैं वो ये हैं कि मनी बिल अगर आपने इंट्रोड्यूस कराने हैं पार्लियामेंट में, तो मनी बिल इंट्रोड्यूस कराने के पहले आपको पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ती है। जब प्रेसिडेंट आपको परमिशन दे देते हैं कि हाँ आपके पास मेरी परमिशन है आप मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तब मनी बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने परमिशन नहीं दी है तो फिर आप पार्लियामेंट में मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना आपका मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक प्रेसिडेंट परमिट नहीं करेंगे मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगला आता है कि बजट वगैरह जो है आपका इस साल का जो यूनियन बजट आता है उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है या प्रेजेंट किया जाता है ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑफिशियली ये बोला जाता है जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट आई एम प्रेजेंटिंग दिस बजट टू द पार्लियामेंट, मैं प्रेसिडेंट के नाम पर यह बजट जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो बजट वगैरह जो यूनियन बजट है उसको प्रेसिडेंट के नाम पर ऑन द फॉर्मल नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। अगला आता है कि हर 5 साल के बाद में ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि आपके स्टेट्स के रेवेन्यू और बाकी सारी चीजों में जितनी भी कमाई वगैरह हो रही है राजस्व की, स्टेट्स को सेंटर को सबको एनालिसिस करके फाइनेंस कमीशन फिर फाइनली डिसाइड करती है कि जो जितना रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है उस रेवेन्यू को स्टेट्स और सेंटर के बीच में किस तरीके से बांटा जाना है, उसका फॉर्मूला क्या रहना चाहिए। तो उस फॉर्मूले के बारे में और किस तरीके से आपके रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है सेंटर स्टेट के बारे में, वो सारी रिकमेंडेशन हमारी फाइनेंस कमीशन देती है। और फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद में कंस्टिट्यूट किया जाता है। ये फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होती है और इसको फाइनेंशियल पावर में गिना जाता है। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स दैट हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट आती हैं जुडिशियल पावर्स। अब हम लोग जुडिशियल पावर के बारे में बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन सी जुडिशियल पावर्स होती हैं। तो प्रेसिडेंट की जो सबसे एक पहली जुडिशियल पावर आती है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं, इसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट के जजेस वगैरह की बात कर लें तो इन सबको अपॉइंट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसको एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस इन सबको अपॉइंट करते हैं. दूसरा, ही कैन सीक एडवाइस ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में एससी करके लिखा है. अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन उठता है, चाहे वो लॉ के से रिलेटेड उठे या किसी फैक्ट से रिलेटेड उठे, जिसके ऊपर लॉज वगैरह बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट उस तरीके के क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को उनकी राय जानने के लिए. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड क्लैरिटीज अगर उसमें ना हो, या फिर अगर वो किसी फैक्ट से रिलेटेड हो जिसके बारे में कोई क्लैरिटी हमारे पास ना हो, कंफ्यूजन की स्थिति बन रही हो, उस केस में आपके प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को ये क्वेश्चन जो है रेफर कर सकते हैं और उनसे उनकी राय जान सकते हैं. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ. 2011-12 में कोल स्कैम वगैरह जब हुआ था, तो उसके बाद में क्वेश्चन उठा था कि कोल जो है उसका हमें हमेशा ऑक्शन करना चाहिए, कोल की जो है हमेशा खदानों की नीलामी करनी चाहिए और उसके बाद उनको बेचना चाहिए, या फिर जनता की भलाई देखते हुए सरकार जो है उनकी नीलामी ना करके उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर भी आप अलॉट कर सकती है. इस क्वेश्चन को लेके ना हमारे पास लॉ में कोई क्लैरिटी थी, ना फैक्ट्स में कोई क्लैरिटी थी, तो उस केस में प्रेसिडेंट ने फिर इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना उसके ऊपर एक व्यू दिया था. उस व्यू के बेसिस पर फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक लॉ बनाया था. तो इस तरीके की जब भी केसेस वगैरह बनते हैं कि आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है लॉ में या फिर फैक्ट में, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा उठा है जिसको लेके आप कंफ्यूजन की स्थिति में है, तब सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट वो क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, उनके पास ये करने की पावर है, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना उसके ऊपर एक ओपिनियन देता है. तीसरा, कि अगर कोई पनिशमेंट वगैरह मिला है, किसी व्यक्ति ने अगर सेंट्रल कोई लॉ तोड़ा था और उसके कारण उसके ऊपर कोई केस चला और उस केस के बाद में उसको कन्विक्ट करके फाइनली कोई पनिशमेंट दिया गया है, या फिर अगर वो मिलिट्री में था और कोर्ट मार्शल के द्वारा उसको कोई सजा मिली है, या फिर अगर किसी कृत्य के लिए उसको अगर मौत की सजा मिली है, तीन कैटेगरीज में से अगर किसी कारण से उसको पनिशमेंट मिला है, उसने कोई सेंट्रल लॉ तोड़ा है जिसके कारण उसको कन्विक्ट किया गया है और उसके कारण उसे कोई पनिशमेंट मिला है कोर्ट के द्वारा. दूसरा, अगर कोई आर्मी पर्सनल है, कोई मिलिट्री पर्सनल है, आर्मी से मेरा मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स सबकी बात कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति को जो डिफेंस में था उसको कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई सजा, या फिर अगर किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी गई है किसी कृत्य के लिए या किसी कार्य के लिए किसी काम, तो इन पर्टिकुलर पनिशमेंट्स वगैरह में से, इनमें से किसी भी कैटेगरी का में अगर आपको पनिशमेंट मिला है, तो प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो प्रेसिडेंट आपको पैर्डन दे सकते हैं, आपको क्षमादान दे सकते हैं, आपको माफ कर सकते हैं. ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास में है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये पार्डन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास में किन किन केसेस में, तो ये हमको ध्यान रखना है. सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर का कोई लॉ अगर है, उसका को किसी व्यक्ति ने तोड़ा और उसके कारण उसके ऊपर केस चला और सजा हुई है, तो इस केस में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं. अगर व्यक्ति डिफेंस फोर्सेज में था और किसी कारण से उसके ऊपर कोर्ट मार्शल चला है और कोर्ट मार्शल ने उसको सजा दी है कोर्ट मार्शल के थ्रू, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको क्षमादान या पार्डन कर सकते हैं. तीसरा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया था जिसके कारण उसे मौत की सजा मिली है और मौत की सजा हुई है, चाहे वो सेंट्रल के लॉस के वायलेशन के कारण हुई हो चाहे स्टेट के लॉस के वायलेशन के कारण हुई है, तो उस केस में भी पैर्डन करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है. प्रेसिडेंट जो है वो माफ कर सकते हैं, पैर्डन ग्रांट कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है. नेक्स्ट आती है प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स. तो डिप्लोमेटिक पावर्स में पहली पावर तो यह है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं जो भी होती हैं, उन सारी संधियों को या उन सारी ट्रीटीज का जो भी निगोशिएशन वगैरह होना है और उनको जो भी साइन किया जाना है, वो किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के नाम पे. यानी कि जो भी व्यक्ति भारत सरकार की तरफ से उन ट्रीटीज वगैरह को निगोशिएट करता है और उनके ऊपर साइन करता है, वो ये करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. पहला तो ये एक इंपॉर्टेंट पावर हो गया. दूसरा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पावर ये है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो खुद या फिर अपना किसी एम्बेसडर या हाई कमिश्नर वगैरह को भेज के, या फिर अगर कोई मिनिस्टर भी गया है तो बेसिकली वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. इसके अलावा अगर किसी दूसरे देश का कोई एम्बेसडर या हाई कमिश्नर वगैरह आएगा तो उसको जो रिसीव करना है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. यानी कि या तो प्रेसिडेंट जो है खुद उनसे मिलते हैं, या फिर जो भी व्यक्ति उनसे मिलेगा वो मिलेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये जो सारी पावर्स हैं ये डिप्लोमेटिक पावर्स के अंदर में आती हैं. पहला, ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज आर नेगोशिएटेड एंड साइंड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. दूसरा, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो खुद जाके या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के, एंड रिसीव डिप्लोमैट्स में आपका हाई कमिश्नर एंड सो ऑन, इस तरीके के जो बड़े डिप्लोमैट्स होते हैं उन सब की बात हो रही है.
किसी दूसरे देश के अगर आते हैं तो उनको प्रेसिडेंट रिसीव करते हैं या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट रिसीव किया जाता है. ऑल दिस थिंग्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ डिप्लोमेटिक पावर्स. नेक्स्ट आती है मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. तो सबसे पहली जो मिलिट्री पावर है वो ये है कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया. इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. कहने का मतलब यह है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं वो लॉयल्टी की जो अपनी ओथ लेती हैं, जब कमीशन होती है तब वो जो लॉयल्टी की ओथ लेती हैं वो लेती हैं ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं पहला. दूसरा जो है कि हमारी जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस ये आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट करते हैं. तीसरा, अगर किसी देश के साथ में वॉर डिक्लेयर करना है तो वो, और अगर किसी देश के साथ में पीस कंक्लूड करना है तो वो, दोनों काम में से कोई भी अगर एक काम आपने को करना है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के बिहाफ पे किया जाता है. जैसे 1971 की बात कर ली जाए तो जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने वॉर डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के ऊपर तो वो खुद नहीं किया था, वो उन्होंने किया था ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे वॉर डिक्लेयर हुआ था. उसी तरह जब 1971 का वॉर जीतने के बाद में शिमला में जो ट्रीटी हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ कि जो पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स हैं उनको वापस लौटाया जाएगा जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर हिरासत में लिया गया था इंडिया के द्वारा, और ये सारी जो शिमला की पीस ट्रीटी साइन हुई थी ये भी साइन तो हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं करी थी उस वक्त की, मगर ये साइन हुई थी ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अगर आपने किसी देश के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना है तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या जो भी सीनियर मिनिस्टर है. और दूसरा, अगर आपने किसी देश के साथ में वॉर लड़के फाइनली पीस की ट्रीटी कंक्लूड करनी है तो वो ट्रीटी भी जो कंक्लूड करनी है या तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं या फिर प्रेसिडेंट साहब के नाम पर उस ट्रीटी को कंक्लूड किया जाता है. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पावर. तो ये अपनी मिलिट्री पावर्स हो गई कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब वो जो लॉयल्टी की ओथ लेती हैं डिफेंस फोर्सेस वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे लेती हैं. दूसरा, ये आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करते हैं. तीसरा, अगर वॉर डिक्लेयर करना हो या पीस कंक्लूड करना हो तो वो दोनों में से कोई भी काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर किया जाता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है. एंड ऑल दिस थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट आती है हमारी इमरजेंसी पावर्स. इमरजेंसी पावर्स में बेसिकली वो पावर्स प्रेसिडेंट साहब के पास में है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जिनकी मदद से अगर किसी तरीके की कोई इमरजेंसी आती है तो वो उससे डील कर सकते हैं, और उन सारी पावर्स को इमरजेंसी पावर की कैटेगरी में रखा गया है. बेसिकली तीन तरीके की इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट को दी गई हैं. पहला है नेशनल इमरजेंसी से लड़ने के लिए पावर्स वगैरह जिनको आर्टिकल 352 में बताया गया है. दूसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जिससे रिलेटेड पावर्स वगैरह आर्टिकल 360 में दी गई है विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तीसरा है प्रेसिडेंट रूल जिसके बारे में 356 एंड 365 आर्टिकल्स जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें डील किया गया. तो ये तीन तरीके की इमरजेंसीज होती हैं और इन तीन तरीके की इमरजेंसी से लड़ने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट को दिए गए. आर्टिकल 352 में पावर्स का इस्तेमाल करके वो नेशनल इमरजेंसी से लड़ते हैं, आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करके वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डील करते हैं, एंड आर्टिकल 356 एंड 365 में जो भी प्रोसीजर दिया है उसकी मदद से वो प्रेसिडेंट आपका जो प्रेसिडेंट रूल लगाना है और वहां अगर इंटरनल इमरजेंसी कोई लगी हुई है देश में तो उससे रूल डील करने की जो पावर्स वगैरह है वो इसमें आपको दी गई है. नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन भी 352 में ही हुआ है. आर्टिकल 352 में डिफाइन भी किया गया है नेशनल इमरजेंसी किसे कहते हैं. ऑल दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 में डील किया गया है. 356 एंड 365 में अगर किसी स्टेट में आपका मशीनरी वगैरह फेल हो जाती है, आपकी पॉलिटिकल मशीनरी फेल हो जाती है, तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगता है. प्रेसिडेंट रूल की फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी बातें इन दोनों आर्टिकल्स में आई हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं आपका इमरजेंसी पावर के अंदर में आती हैं.